विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हाउ टू सॉल्व, तो गिवन है 1 + √5/2 ^12 इसका वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में जाएंगे। तो सॉल्यूशन में जाके जो गिवन है हम यहाँ पर लेट करेंगे, जो इनसाइड है ये 1 + √5/2। अगर हम लेट किया 1 + √5/2 सपोज एक्स, तब ये बनते हैं x^12 बनते हैं। ओके, तो x^12 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 + √2। तो जो गिवन है वो और एक बार नोट डाउन कर लीजिए, यानी एक्स इक्वल्स लेट के सो एक्स इक्वल्स 1 + √5/2। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो डिवीजन में 1 समझ लो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तभी ये बनता है 2x = 1 + √5 बनेगा। तो ये जो 1 है लेफ्ट साइड में लाओ, तो ये 2x - 1 = √5 रहेगा। तो यहाँ पर रूट है, रूट फाइव है, इसे हम अगर निकालना है तो स्पेयरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर अगर स्पेयरिंग बोथ साइड्स किया तो यहाँ पर भी स्पेयरिंग कर दो और यहाँ पर भी स्पेयरिंग कर दो, तो ये बन गया ये -b² के जैसा हो गया। तो ये -b² मीन्स a² + b² - 2ab, तो ये स्क्वायर मीन्स 2x² प्लस बी स्क्वायर मीन्स +1² -2 × 2a × b, a is 2x b is 1, ओके इक्वल्स ये दोनों कट हो गया, तो यहाँ पर ओनली 5 बनेगा क्योंकि √2 निकल जाएगा। तो ये बनते हैं 4x² +1² मीन्स ओनली बनते हैं -2 × 2x × 1 = 4x बनते हैं, और ये इक्वल्स 5 है तो ये साइड में लाओ तो -5 यहाँ पर बनेगा इक्वल जे। तो यहाँ पर लाइक टर्म्स +1 - 5 है, तो 4x² - 4x - 4 = 0 बनेगा। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो सब में 4 है, तो इसलिए सब में 4 हम निकालना है, तो 4 से डिवाइड कर दो, तभी यहाँ पर ये दोनों कट हो जाएगा। तो x² रहेगा माइनस ये दोनों कट हो गया, तो ओनली x रिमेनिंग रहेगा, ये दोनों कट हो गए तो 1 रिमेनिंग रहेगा -1 = 0/4 = 0। तो ये दोनों राइट साइड में लो, ये -x और -1, तो ये राइट साइड में आने के बाद वो क्या बनते हैं x² = x + 1 बनेगा। ये हमारा जो मिला है ये हम नोट डाउन कर लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर होना है तो 1 समझ लेंगे। तो हम यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे x² = x + 1। ठीक है, तो हमें चाहिए x^12 का वैल्यू। ओके, तो हमें मिला है ओनली x² का वैल्यू, हमारे पास अभी x का वैल्यू है, x² का वैल्यू है, इन दोनों के थ्रू हम x^12 तक हम जाना है हमें। तो x^12 = मैं लिखता हूँ x^2 = 6। ओके, क्योंकि यहाँ पर पावर यूज कर दो, a^m / (a^n) ये रूल यहाँ पर मैं अप्लाई किया। ठीक है, तो ये यहाँ x^12 ये फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर इसको ये फॉर्म में लाए। तो x^12 का वैल्यू हमें पता है x + 1, तो पुट कर दो x + 1, तो x² के जगह में x + 1 पुट करेंगे (2^6) या जो अपने आप में आएगा। तो अगेन और x^6 को हम ऐसा करेंगे, ये x^12 ये लेफ्ट साइड में रहेगा ये भी, तो इसको x + 1² (3) हम कर सकते हैं, और अगेन ये पावर यूज किया तो 2 × 3 = 6 ही बनते हैं। ठीक है, तो x + 1 ये होल स्क्वायर है, ये a + b² के जैसा है, तो इसे हम सिंप्लीफिकेशन किया तो x² + 1 + 2x बनते हैं अंदर, तो 2^3 एज वन। बट हमें मालूम है x² is x + 1, तो इसकी जगह में हम x + 1 पुट करेंगे, किसके जगह में x² की जगह में,
इसके जगह में हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन पुट करेंगे, और ये प्लस वन आगे का सेम और ये प्लस टू ऑल्सो सेम, तो होल टू द पावर थ्री बनेगा। तो एक्स प्लस टू एक्स इन लाइक टर्म्स है, थ्री एक्स हो जाएगा, और ये प्लस वन ये टू बनेगा, तो थ्री एक्स प्लस टू टू द पावर ऑफ थ्री बनते हैं। एक्स टू द पावर ऑफ ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू टू द पावर ऑफ थ्री बन रहे हैं। इस थ्री एक्स प्लस टू टू द पावर ऑफ थ्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो एक्स टू द पावर ऑफ ट्वेल्व है, यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ ट्वेल्व है, तो एक्स टू द पावर ऑफ ट्वेल्व इज इक्वल टू इस थ्री एक्स प्लस टू टू द पावर ऑफ थ्री को हम थ्री एक्स प्लस टू टू द पावर ऑफ टू इंटू थ्री एक्स प्लस टू टू द पावर ऑफ वन लिख सकते हैं। तो ये थ्री एक्स प्लस टू टू द पावर ऑफ टू को और अगेन हम सिंप्लीफिकेशन करें ए प्लस बी होल स्क्वायर के जैसा, तो ये पर थ्री एक्स होल स्क्वायर प्लस टू होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स थ्री एक्स इंटू टू, ये हो गया थ्री एक्स प्लस टू होल स्क्वायर का वैल्यू, और टाइम्स ये थ्री एक्स प्लस टू मल्टीप्लीकेशन या पावर वन रखे तो भी चलते हैं, नहीं रखे तो चलते हैं। तो थ्री एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पर थ्री एक्स होल स्क्वायर है, यहाँ थ्री एक्स होल स्क्वायर मीन्स नाइन एक्स स्क्वायर बनेगा, ओके, तो टू स्क्वायर मीन्स फोर बनते हैं, यहाँ पर प्लस टू थ्री जर सिक्स, सिक्स टू जर ट्वेल्व, ट्वेल्व एक्स बनते हैं, ओके, तो ब्रैकेट डाल दो, यहाँ पर थ्री एक्स प्लस टू या जो रहेगा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, हमें मालूम है एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स प्लस वन, तो इसके जगह में हम क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस वन पुट करेंगे इसके जगह में, तब ये एक्स टू द पावर ऑफ ट्वेल्व क्या बन रहे हैं, एक्स टू द पावर ऑफ ट्वेल्व इक्वल टू नाइन टाइम्स एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर के जगह में एक्स प्लस वन पुट किया तो ये प्लस या जल प्लस ट्वेल्व एक्स आल्सो या जल, तो ये बड़ा ब्रैकेट में रखेंगे, और ये थ्री एक्स प्लस टू सेम या जल। अभी नाइन से दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तब ये एक्स टू द पावर ऑफ ट्वेल्व क्या बनता है, नाइन टू द पावर ऑफ एक्स प्लस नाइन या प्लस आगे का फोर प्लस ट्वेल्व एक्स एज वेल, ब्रैकेट क्लोज कर दो, और यहाँ पर थ्री एक्स प्लस टू के ये राइट साइड में का एज वेल। अभी लाइक टर्म्स क्या है, नाइन एक्स और ट्वेल्व एक्स है, तो दोनों ऐड है प्लस है, तो नाइन प्लस ट्वेल्व मीन्स ट्वेंटी वन बनते हैं, ट्वेंटी वन एक्स प्लस ये नाइन प्लस फोर मीन्स यहाँ पर थर्टीन बनेगा, तो मल्टीप्लीकेशन थ्री एक्स प्लस टू अगेन एज वेल, ठीक। तो अभी 21x से 3x प्लस टू को एक बार मल्टीप्लीकेशन कर दो दोनों को, और 13 से एक बार मल्टीप्लीकेशन कर दो दोनों को, तो बटरफ्लाई मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे, तभी ये बनेगा 21x इंटू थ्री एक्स इक्वल्स एक्स टू द पावर ऑफ 12, ओके, इक्वल्स 21 इंटू थ्री मीन्स थ्री वन जार थ्री, थ्री टू जार सिक्स, यानी 63x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बनते, ओके, प्लस सब प्लस में है, 21 इंटू टू मीन्स 42, यहाँ पर एक्स है एक्स रखेंगे, नेक्स्ट प्लस 13 थ्री जर 39x प्लस 13 टू जर 26, सब आ गया, ओके, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसको प्लस कर लेंगे, तो 63 ये एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स प्लस वन पुट करेंगे, ओके, और प्लस ये दोनों ऐड कर लो, तो 9 टू 11 कैरी 1 4 81 बनते हैं, 81x प्लस यहाँ पर 26 आगे का याद रखो, तो 63 से इन दोनों को अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो 63 टाइम्स एक्स प्लस 63 प्लस 81x प्लस 26 बनेगा, ये एक्स टू द पावर ऑफ 12 का वैल्यू। यहाँ पर आप एक्स टू द पावर ऑफ 12 इज इक्वल टू 63 और 81 दोनों लाइक टर्म है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो दोनों ऐड कर दो 134 बनते हैं और 86 14 बनते हैं, 144 टाइम्स एक्स प्लस 83 और 26 सिक्स थ्री नाइन हो जा रहे और 268 बनता है यानी 89। एक्स टू द पावर ऑफ 12 इज इक्वल टू 144 टाइम्स एक्स प्लस 89 आ गया फाइनली। अगेन यहाँ पर एक्स का वैल्यू हमें मालूम है, एक्स इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, वो रिकॉल कर दो लेट केस हो, तब इसके जगह में तभी ये एक्स टू द पावर ऑफ 12 इज इक्वल टू 144 टाइम्स 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 89 आगे का एच जोल। तो ये डिवाइडेड बाई 2 है, अगर ये निकालना है तो वह इससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर 72 बनेगा, ओके, 2 7 2 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
जो डिनोमिनेटर है वो चले गया इसके साथ, तो 72 से दोनों को मल्टीप्लिकेशन करिए तो x टू द पावर ऑफ 12 इज इक्वल टू 72 प्लस 72 स्क्वेयर रूट 5 प्लस 89। तो इसका मतलब लाइक टर्म्स क्या क्या है, 72 ये दोनों ऐड कर लो तब x टू द पावर ऑफ 12 इज इक्वल टू 921 बनता है कैरी 1, ये 9761 बनता है 16 बनता है 161 प्लस 72 स्क्वेयर रूट 5 यस। ये हो गया, अभी यहाँ पर वेरिएबल्स कुछ नहीं बचा है तो ये हमारा फाइनल आंसर है, x टू द पावर ऑफ 12 इज इक्वल टू कितना आ रहे 161 प्लस 72 रूट 5, ये हमारा फाइनल आंसर। तो क्या है x टू द पावर ऑफ 12 का वैल्यू, यहाँ पर अगेन 171 टाइम्स रखेंगे 161 प्लस 72 स्क्वेयर रूट 5, ये फाइनल आंसर। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।